नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल होगा सूचना का प्रकाशन। बिहार के इथेनॉल यूनिट पर पेट्रोलियम कंपनी का कोटा पड़ा भारी। गंडक और कोसी के क्षेत्र में फिर बना बाढ़ का खतरा। जमीनी विवाद को रोकने के लिए यूनिक सिस्टम कोड होगा लागू। पंचायत चुनाव के दौरान मतदान कर्मी की मौत होने पर मिलेगा 30 लाख का मुआवजा। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। जमीनी विवाद को रोकने के लिए यूनिक सिस्टम कोड होगा लागू। राज्य सरकार के द्वारा जमीन से जुड़े विवादों को कम करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत जमीन से जुड़े हर केस का एक अलग यूनिक कोड लागू करने का सिस्टम होगा। इस कोड में विवाद से जुड़े हर ब्यौरे रहेंगे, जैसे कि मामले से कितना अपराध बढ़ सकता है, उसका प्रभाव क्षेत्र, स्थल, संवेदनशीलता और पूर्व का इतिहास आदि रहेगा, जिसके बाद अधिकारी कोड को देखकर ही पता लगा लेंगे कि यह जमीन का विवाद अपराध बढ़ाने को लेकर कितना गंभीर है। इसके बाद अधिकारी त्वरित कार्रवाई करके अपराध को रोकने की दिशा में कदम उठा सकेंगे। इस कोड को रखने का फैसला बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गृह विभाग और प्रशासनिक सुधार मिशन ने मिलकर लिया है। सूबे में कहीं उमस बढ़ने तो कहीं बारिश होने की बनी संभावना। राज्य में मानसून का असर एक बार फिर से कमजोर हो चला है। आने वाले 5 दिनों में कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, इसके बाद बारिश का जोर थोड़ा बढ़ सकता है। हालांकि इस दौरान उमस भरी गर्मी राज्य के कई हिस्सों में लोगों को परेशान करने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर, अजमेर, छत्तीसगढ़ होते हुए विशाखापट्टनम तक गुजर रही है, जिस कारण से राज्य में अभी बारिश की कोई स्थिति नहीं बन रही है। हालांकि स्थानीय कारणों से कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। गंडक और कोसी के क्षेत्र में फिर बना बाढ़ का खतरा। सूबे में कोसी और गंडक नदियां एक बार फिर से उफान पर है, जिससे उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ का संकट फिर से बढ़ गया है। नेपाल से बिहार में आने वाली ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बीते दिन वाल्मीकि नगर बराज पर गंडक नदी में फिर से 3.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी को छोड़ा गया। वहीं कोसी नदी से भी लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है। कोसी नदी खगड़िया में लाल निशान से 2.25 मीटर ऊपर बह रही है। कटिहार में यह नदी लाल निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर है, तो वहीं गंडक भी गोपालगंज में 142 और मुजफ्फरपुर में 54 सेंटीमीटर ऊपर है। इन जिलों में इनका बढ़ना अभी जारी है। आईआईटी पटना में स्थानीय समस्याओं के निपटारे के लिए होंगे रिसर्च। राजधानी पटना में स्थित आईआईटी में लोकल एरिया के विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए रिसर्च किए जाएंगे। इसके लिए कुछ लोकल गांव का चयन करके उन्हें गोद दिया जाएगा और वहां शिक्षा के साथ ऊर्जा, पीने का पानी, सफाई की उत्कृष्ट व्यवस्था की जाएगी। ये बातें आईआईटी पटना के नव नियुक्त निदेशक प्रोफेसर त्रिलोकनाथ सिंह ने जागरण को दिए गए एक इंटरव्यू में कही है। इससे पहले वे आईआईटी मुंबई और बीएचयू में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। नए निदेशक ने कहा है कि आईआईटी पटना के शिक्षकों को काफी दिनों से पदोन्नति नहीं मिली है, इस पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बिहार में इनोवेशन लाने व खनन और खनिज के साथ ही पर्यावरण पर रिसर्च करने की भी बात कही। अवैध बालू खनन में संलिप्त अफसरों पर होगा एफआईआर। राज्य के अंदर अवैध बालू खनन मामले में कई अफसरों के संलिप्तता आने के बाद उनकी संपत्ति की जांच आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि इन अफसरों पर अब आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया जाएगा। जांच में जिनकी संलिप्तता ज्यादा पाई जाएगी उन पर पहले मामला दर्ज होगा। जानकारी के मुताबिक ऐसे 41 अफसरों की संपत्ति की जांच ईओयू कर रही है। मामले में कई अफसरों के खिलाफ जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आय से अधिक संपत्ति होने को लेकर सबूत इकट्ठे हो गए हैं। बिहार में 32 जिलों में नहीं मिले एक भी कोरोना संक्रमित। सूबे में कोरोना के गिने चुने मामले हर दिन देखने को मिल रहा है। ताजा मामले में 38 जिलों में से 32 जिलों में एक भी नए संक्रमित नहीं मिले हैं। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों में बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान राज्यभर में 1,39,087 सैंपलों की जांच की गई, जिसके आधार पर केवल एक मरीज मिले, जबकि इस दौरान राज्यभर से कुल 6 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, पटना और शिवहर से एक एक संक्रमित की पहचान हुई है। इस दौरान 13 लोग रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्यभर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 105 हो गई है, तो वही रिकवरी दर 98.65% हो गया है। बिहार के इथेनॉल यूनिट पर पेट्रोलियम कंपनी का कोटा पड़ा भारी। सूबे बिहार में उद्योग स्थापित करने की राह में इथेनॉल उत्पादन यूनिट लगाने के सैकड़ों प्रस्ताव को स्टेज 1 क्लियरेंस मिल चुके हैं, लेकिन उन पर अब पेट्रोलियम कंपनियां रोड़ा बन रही है। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों ने मक्का से इथेनॉल बनाने का जो कोटा तय किया है उसमें बिहार से एक साल में मात्र 14 करोड़ लीटर इथेनॉल को ही कंपनी खरीदेगी और इतनी कम मात्रा में इथेनॉल 4 यूनिट के जरिए ही मिल जाएगी। ऐसे में बिहार में इथेनॉल यूनिट्स पर इसका बुरा असर पड़ेगा। दूसरी
तरफ जिन राज्यों में मक्का का उत्पादन नहीं भी होता है उनके क्रय सीलिंग को बिहार से भी ज्यादा कोटा दिया गया है। ऐसे में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मांग की है कि बंगाल, झारखंड व पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त दिल्ली का भी कोटा बिहार को तब तक के लिए मिल जाना चाहिए जब तक कि यहां मक्का का उत्पादन शुरू ना हो जाए। इस बात को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के समक्ष भी रखा जाएगा। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल होगा सूचना का प्रकाशन। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का चुनाव 24 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव होने वाले हैं। इस चरण के उम्मीदवार अब नामांकन के लिए तैयार हो गए हैं क्योंकि कल 1 सितंबर को प्रपत्र 5 के सूचना का प्रकाशन किया जाएगा जिसके बाद अगले दिन 2 सितंबर गुरुवार को प्रत्याशी नामांकन को भर सकेंगे। इसके लिए इन जिलों के अधिकारियों ने सारी व्यवस्था तैयार रखी है। बताते चले कि 2 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह 8 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान प्रत्याशी पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों पर नामांकन का आवेदन भरेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी बहाल की गई है। सोशल मीडिया पर मोबाइल रिचार्ज नहीं होने की जानकारी देना पटना के शख्स को पड़ा महंगा। आजकल लोग किसी भी बात को सोचे समझे बगैर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं जबकि बाद में ये चीजें कभी कभी महंगी भी पड़ जाती है। ऐसे ही एक घटना में पटना का शख्स ठगी का शिकार हो गया है। दरअसल एसकेपुरी का रहने वाला यह व्यक्ति एयरटेल पेमेंट बैंक से 129 रुपए के रिचार्ज को कराया था। उसका बैंक खाता ICICI बैंक में है लेकिन किसी कारण फोन रिचार्ज नहीं हुआ और उस व्यक्ति ने ये सारी बातें कहानी की तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इस बात का मौका उठाते हुए किसी ठग ने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए मोबाइल पर भेजे गए लिंक पर क्लिक करने को कहा जिसके बाद लिंक टच करते ही व्यक्ति के खाते से रुपए निकल गए। मामले में पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत की है जिसमें सनहा को दर्ज कर लिया गया है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों के 477 विद्यार्थियों का हुआ कैंपस सिलेक्शन। राज्य के सरकारी और निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में कोरोना काल में भी छात्रों को प्लेसमेंट देने में रिकॉर्ड बना दिया है। आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी से संबद्ध इन इंजीनियरिंग कॉलेजों में सत्र 2020-21 के लिए अब तक 450 से ज्यादा विद्यार्थियों को जॉब मिल गया है। साथ ही साथ सत्र 21-22 के लिए भी प्लेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक इस सत्र के 27 विद्यार्थियों का सिलेक्शन प्लेसमेंट के लिए हुआ है। इस मामले में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के मंत्री ने बताया है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों को TCS, IBM, विप्रो, SCL आदि कंपनियां लगातार प्लेसमेंट दे रही हैं। अब तक 8 से 10 कंपनियां इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार हैं। यह प्रक्रिया अगले साल मई तक चलेगी। पंचायत चुनाव के दौरान मतदान कर्मी की मौत होने पर मिलेगा 30 लाख का मुआवजा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक और सफल तरीके से कराने के लिए हजारों हजार की संख्या में मतदान कर्मियों को विभिन्न इलाकों में तैनात किया गया है। कोरोना संक्रमण के बीच ये कर्मी विभिन्न जगहों पर भीड़भाड़ के बीच अपनी ड्यूटी को निभाएंगे। ऐसे में सरकार किसी भी तरह की अनहोनी होने पर इनके आश्रितों को आर्थिक मदद करेगी। पंचायती राज विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अगर चुनाव के दौरान किसी मतदान कर्मी की मौत कोविड या फिर उग्रवादी घटना से होती है तो उनके आश्रितों को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं अन्य किसी वजह से जान चले जाने पर 15 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। वहीं अगर स्थायी विकलांगता की स्थिति में आ जाए तो 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बदले रिश्वत लेते क्लर्क का वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जहां खुद स्कूल के गुरुजी सिस्टम को बदनाम करते देखे जा रहे हैं। यह वायरल वीडियो रोहतास जिले के दिनारा के बलदेव उच्च विद्यालय का बताया जा रहा है। वीडियो में मैट्रिक पास छात्र जब स्कूल से TC यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो उसके बदले क्लर्क रिश्वत देने की मांग कर रहे हैं। वायरल वीडियो के मुताबिक छात्रों के पूछे जाने पर विद्यालय का क्लर्क कहता है कि छात्र अंतिम में जाते हैं तो विदाई के रूप में गुरु दक्षिणा देते हैं। पैसे जमा करने के बाद TC दिए जाने की बात कही। इससे परेशान एक छात्र ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जिसके बाद प्रशासन की तरफ से इसकी जांच की जा रही है। हालांकि बिहारी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उत्तर प्रदेश चुनाव में मिशन 13 के साथ उतरेगी जदयू। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की पार्टी जदयू इस बार पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने का प्लान बना चुकी है और मिशन 13 के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ेगी। इस बारे में जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने बताया कि जदयू कम से कम 13 सीटों पर जीत हासिल करने के लक्ष्य से उतरेगी। वहीं उन्होंने बसपा का उदाहरण देते हुए कहा कि 13 सीटें जीतकर बसपा भी यूपी की सत्ता तक पहुंची थी। इसी तरह जदयू को भी यूपी में इस लक्ष्य को कर चलना होगा। इस बैठक में झारखंड में भी पार्टी की पहुंच बढ़ाने पर फोकस करने को कहा गया।
19 लाख रोजगार देने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। कोरोना महामारी के दौरान बिहार के लाखों लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी और अब तक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इस मुद्दे को आज तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर उठाया। उन्होंने एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए ट्वीट किया है, जिसके बाद उन्होंने बिहार के सरकार के चुनावी वायदे को याद दिलाया है। उन्होंने लिखा कि पिछले एक वर्ष में बिहार में 15 लाख नौकरियां और रोजगार समाप्त हुए हैं। एनडीए सरकार का 19 लाख नौकरियां या रोजगार देने का वादा था, लेकिन क्या हुआ? डबल इंजन सरकार के झूठ ने लोगों के वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद कर दिया है, इस पर सोचे। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि राजद द्वारा बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने किया तालिबान का समर्थन। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की दुनिया भर के लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी खुले तौर पर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। एक वीडियो क्लिपिंग में अफरीदी पत्रकारों से कहते हुए नजर आए कि उनके मुताबिक तालिबान सकारात्मक सोच के साथ आए हैं, वे महिलाओं को काम करने दे रहे हैं और उन्हें राजनीति में भाग लेने की इजाजत भी दे रहे हैं। अफरीदी का यह भी मानना है कि तालिबान क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं और क्रिकेट का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान भी कई मंच पर तालिबान का समर्थन कर चुके हैं। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार इस बार के पंचायत चुनाव में आप किन मुद्दों पर अपने मुखिया को चुनने वाले हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।